सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल बायो हब हब्बाई मनु सिंघानिया तो बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होंगे उसमें जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन को हम लोग है जो आज क्या करेंगे अच्छे तरीका से है जो समझेंगे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग है जो केमेस्ट्री फिजिक्स केमेस्ट्री है जो हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से है जो समझे थे आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम लोगों के क्या जैव प्रक्रम पोषण ठीक है पोषण रिलेटेड लाइफ जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस वो जो चैप्टर है उसी से हम लोग क्वेश्चन आज है जो क्या है जो देखेंगे ठीक है एक एक क्वेश्चन को बारीकी से तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए यदि जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ठीक है एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बारीकी से है जो पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा गया है क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पाद पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल का वहन के लिए बी में दिया भोजन का वहन के लिए सी में दिया हुआ अमोनिया अम्ल का वहन के लिए डी में दिया हुआ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का बहन के लिए तो ऑप्शन नंबर ए में है जो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन का कौन सा जो सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए जल क्या है जल का बहन के लिए ऑप्शन नंबर इसका है जो क्या होगा जल में ऑप्शन नंबर ए है जो ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या है सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है बचापाटी तो ए नंबर है जो आपको क्या है सही आंसर है ठीक है चलिए आप क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान दीजिए टू नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है टू नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है जो पत्ती होता है लिप्स जो होता है उसमें है जो क्या गैसों का जो है गैस जो रहता है उसका आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है ऑप्शन तो नंबर ए में दिया सीरा में बी में दिया हुआ रंध्र में सी में दिया मध्य सीरा डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो कि इसका ऑप्शन होगा जो क्या होगा सही तो बी नंबर ऑप्शन होगा कहाँ होता है तो रंध्र में कहाँ होता है रंध्र में आप लोग हैं जो पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कहाँ से होता है तो ये जो मान लीजिए कि इस प्रकार का लीफ है इसके नीचे में है जो अस्टोमाटा है जो रहता है छोटा छोटा पोर्स टाइप का ठीक है जिसको हम कहते हैं अस्टोमाटा हिंदी में उसको कहते हैं रंध्र तो ये है जो यहाँ से है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है में आपको बतलाया गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है तो इसमें है जो क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है हम उसको है जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें जो इसमें क्या होता है पेड़ अपना भोजन है जो खुद बनाता है इसमें है जो क्या लेता है वो ऑक्सीजन है जो देता है लेता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाटर लेता है और प्रकाश सूर्य का जो सनलाइट का प्रकाश है उसको लेता है और उसी से है जो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो करता है ठीक है यही है जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ने के लिए इसको है जो हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे और पिछले जो है जो इसमें और जो वीडियो होगा पिछले ईयर का उसमें है जो आपको फोटोसिंथेसिस समझाया गया है अच्छे तरीके से आप वहाँ भी वहाँ पर भी जा के देख सकते हैं और हम है जो इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हम और भी है जो आगे अच्छे तरीके से इसका है जो टॉपिक हम जरूर से जरूर डालेंगे ठीक है तो आप लोग है जो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर थ्री नंबर क्वेश्चन में इसका जो सही आंसर क्या बोले ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है टू का क्या है बी नंबर चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या ध्यान दीजिए पूछा गया है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ फाइव एक्स पर बी में दिया टेन एक्स पर सी में दिया हुआ ट्वेंटी फाइव एक्स पर डी में दिया फोर्टी फाइव एक्स पर तो थ्रीरी का जो सही आंसर कितने है जो कितने सबसे पहले कितने पर देखा जाता है इसका जो सही आंसर है क्या टेन एक्स पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा हमारा राइट right आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे क्या पूछा गया ध्यान दीजिए रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से क्या रक्त अस्त्र के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं बी में दिया श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल सी में दिया प्लेटलेट्स डी में दिया हो लसिका तो फोर का जो सही राइट आंसर क्या होगा हमारा तो सी नंबर ऑप्शन होगा कहाँ होता है तो प्लेटलेट्स में होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा जिसका सही आंसर होगा रक्त का कौन सा अवैध जो घायल स्थान को रक्त श्राप के मार्ग को है जो क्या रक्त जैसे आप लोग देखते होंगे प्लेटलेट्स है जो वो जो व्हाइट कलर का है जो आ जाता है आप देखते होंगे कहीं पर अगर खिलाया जाता है धीरे में धीरे से प्लाज्मा टाइप का वो धीरे व्हाइट व्हाइट जो एकदम हल्का रहता है ठीक है वही है जो करता है इसका काम चलिए अब फाइव नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फाइव नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है पूछा गया है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या फेफड़ों द्वारा बी में दिया है नीलिये द्वारा सी में दिया हुआ आलिंदो द्वारा और डी में दिया हुआ इनमें से सभी तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा है? सही फाइव का तो बी नंबर ऑप्शन नीले द्वारा ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा क्या होगा राइट right आंसर होगा क्या राइट right आंसर चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया ईसीजी ईसीजी जो होता है उसका पूरा नाम क्या है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया इलेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम बी में दिया होगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ सी में दिया इलेक्ट्रो कार्पोरेशन ग्राम डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो सिक्स का जो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ बी नंबर ऑप्शन होगा जो हमारा क्या है राइट right आंसर है क्या है बी नंबर चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या सेवन नंबर पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या कैलोरो में बी में दिया हुआ क्या लाल रक्त कण में सी में दिया हुआ वर्णिक लवक में और डी में दिया हुआ श्वेत रक्त कण में तो सेवन का जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कहाँ पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में क्लोरोफिल है जो कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में है जो ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिला होगा ठीक है क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं चलिए अब आगे बढ़िए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब एट नंबर एट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो ध्यान दीजिए एट नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ऑप्शन तो नंबर ए में दिया हुआ ए डी पी को बी में दिया हुआ ए टी पी को सी में दिया डी डी पी डी टी पी और डी में दिया हुआ है पी डी पी इसका जो सही आंसर है जो राइट आंसर ऑप्शन है ए टी पी को बोल जाते हैं कोशिका का ऊर्जा जो मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो ए टी पी को ए डीनो ट्राइफ हॉस्पिटल जो होता है ऑप्शन नंबर यह है जो बी है जो हमारा क्या है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर नाइन में आपसे पूछा गया है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ए के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ऑप्शन नंबर जो ए टूटता है श्वसन क्रिया में जो क्या है पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है उसके अंतर्गत ए डी को जो टूटता है तो उसमें कितना ऊर्जा है जो क्या होती है मुक्त होती है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थ्री जीरो पॉइंट फाइव के जी के जी क्या है पर मोल बी में दिया हुआ थ्री जीरो फाइव के जी पर मोल्स और सी में दिया हुआ थ्री पॉइंट फाइव के जी पर मोल और डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो नाइन का जो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव के जी पर मोल्स ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर कहाँ क्वेश्चन नंबर टेन की ओर टेन नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसमें क्या होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ऑप्शन नंबर ए में दिया जल से बी में दिया हुआ सी ओ टू से डी सी में दिया ग्लूकोज से डी में दिया क्या है डी जोम से तो इसका जो सही आंसर है टेन का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर कहाँ जल से ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारा क्या होगा राइट आंसर ठीक है चलिए अब आगे बढ़िए देखिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन को ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सब पो सी क्या सब पोशी पोषण के लिए आवश्यक है जो सब पोशी पोषण होता है उसमें आवश्यक होता है तो क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया सी ओ टू से बी में दिया क्लोरोफिल सी में दिया सूर्य का प्रकाश डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो ये जो ऑप्शन है सब पोशी जो होता है उसमें क्या 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 चीज आवश्यक होता है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा जो राइट आंसर होगा इलेवन का तो डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी सी ओ टू से भी होता है क्लोरोफिल से भी और सूर्य के प्रकाश से भी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा इसमें है जो

चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तेरह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दुई खंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया अमीवा में होता है बी में दिया पैरामीशियम में सी में दिया हुआ है लिसमेनिया में डी में, में दिया इनमें से सभी इस ये जो टॉपिक है ये भी टॉपिक को है जो हमने एक्सप्लेन किया था जो पिछले बार जो वीडियो आपको दिए गए थे 2022 में जो एग्ज़ाम हुए उसके लिए तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा ओल्ड वीडियो और हम न्यू वीडियो भी इसका है जो डालेंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ठीक है तो इसका जो तेरह का जो सही आंसर क्या होना चाहिए तो ए नंबर होता है कहाँ होता है तो अमीबा में होता है ठीक है कहा अमीबा में चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है जो इथाइल अल्कोहल है जो किस प्रकार के श्वसन में बनता है ऑप्शन तो नंबर ए में दिया वाव्य बी में दिया अवाव्य सी में दिया ए ए और बी दोनों होगा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो फोर्टीन जो चौदह का आंसर क्या होना चाहिए तो अबाव्य में इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन क्रिया में बनता है तब तो अबाव्य बी नंबर ऑप्शन होगा जो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है जो यकृत होता है जिसमें से है जो कौन सा है जो रस निकलता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लार रस जिसको बोलते हैं स्लाइबरी जूस ठीक है लार रस बी में दिया जठर रस और सी में दिया पीतरस डी में दिया त्रि रस पंद्रह का जो सही आंसर क्या होना चाहिए तो सी नंबर पीतरस ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए तो सी नंबर ऑप्शन होगा जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा क्या होगा सी नंबर ऑप्शन होगा जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन की ओर सोलह नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया ध्यान दीजिए पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्या होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण तो ए में दिया कवकों में बी में दिया जंतुओं में सी में दिया हरे पौधों में या डी में दिया हुआ है पर जीवियों में तो सोलह का जो सही आंसर क्या होगा तो राइट आंसर कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण आप पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ थ्री से ही है जो पढ़ने के लिए फोर से ही है पढ़ने के लिए प्रकाश संश्लेषण उसमें आपको बतलाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या चीज में होता है तो पौधे में होता है कैसे कैसे प्रोसेस होता है ठीक है चलिए तो आपको है जो सही आंसर क्या बतला है सी नंबर तो कहाँ है? होते हैं हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होते हैं ठीक है, है? चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ठीक है सत्रह नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे कहलाते हैं जो क्या कहलाते हैं उसको हम उत्पादक बोलते हैं या अपटक बोलते हैं या सी उपभोक्ता और डी में दिया आहार श्रृंखला तो सत्रह का जो सही आंसर क्या होगा उत्पादक बोलते हैं उत्पादक ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा चलिए अब देखते हैं अठारह नंबर क्वेश्चन की ओर कहाँ अठारह नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है इसमें बोल रहा है कि कोशिका द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन होता है ना किस उत्पादन के लिए होता है ठीक है किसका तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एमिनो अम्ल के लिए बी में दिया बसा अम्ल सी में दिया ग्लूकोज या डी में दिया सुक्रोज एटीन का जो हमारा राइट आंसर होगा जो क्या होना चाहिए तो ग्लूकोज होगा जो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर क्या होगा सी नंबर और आप लोग है जो पूरे अच्छे तरीके से है जो पढ़ते रहिए आप लोग का है जो एग्ज़ाम का डेट एकदम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग है जो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से है जो देखिए जो भी इस पर वीडियो आपको बतलाया जा रहा है और मॉडल सेट भी है जो हम रिवीजन करवा देंगे उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे कुछ जो एकदम इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं एकदम गेस किए हुए क्वेश्चन है हंड्रेड यही आएगा पिछले बार का भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो लगभग क्वेश्चन है जो इसी प्रकार से आया था और लगभग क्वेश्चन है जो मिले थे ठीक है तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा आज जो वीडियो को शेयर कीजिए कि से ज्यादा बच्चे इसका क्या करें लाभ उठा सके ठीक है चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान दीजिए पूछा गया है कि मन, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया श्वसन बी में दिया श्वासोवास सी में दिया निःश्वसन और डी में दिया निःश्वसन तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा बी नंबर सॉरी बी नंबर होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा बी नंबर में क्या होता है क्या क्या है सो, क्या है ठीक है ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा हमारा राइट right आंसर होगा चलिए बीस नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए बीस नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया पूछा गया है निवास द्वारा निकली वायु में रहती है जो निकली जो उसमें से निकलता है वायु वो क्या रहता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया CO2 रहता है बी में दिया O2 रहता है सी में दिया पाइरेट पाइरुवेट रहता है डी में दिया नाइट्रोजन तो बीस का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा तो CO2 जहाँ से निकलता है जिसको कहते हैं निश्वसन द्वारा जो, जो नली से निकलता है जो वहां से क्या जो निकलता है हम क्या कहते कहते हैं हैं तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन तो को है जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या छोड़ करते हैं बाहर छोड़ते हैं और पेड़ पौधा क्या करती है ऑक्सीजन को है जो छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है वो खुद लेती है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं इक्कीस नंबर क्वेश्चन कहा इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए इक्कीस नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया पूछा गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है जो प्रकृति होता है उसमें ऑक्सीजन का जो संतुलन कैसे बना रहता है तो ए में दिया है संयोजन क्रिया से बी में दिया प्रकाश संश्लेषण से सी में दिया अपघटन डी में दिया इनमें से कोई नहीं तो इक्कीस का हमारा क्या होगा राइट आंसर तो बी नंबर ऑप्शन होगा प्रकाश संश्लेषण जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है तब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि पेड़ पौधा है जो क्या करता है तो ऑक्सीजन है जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है खुद लेता है ये क्रिया है जो कैसे प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कैसे होता है जो हमने बतलाया था अभी किस प्रकार से होता है क्या क्या चीज का उसमें जरूरत पड़ता है क्या है जो वो गेन करता है देता है इसको है जो हम और अच्छे तरीके से है जो इसका एक नोट्स लाएंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एक एक स्टेप में आपको बतलाया जाएगा किस प्रकार से होता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन बाईस नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान दीजिए पूछा गया है रक्त इन इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गोबिन बी में दिया हेमोग्लोबिन सी में दिया हुआ थ्रोबो बी में दिया फाइवरीन इसका जो सही आंसर है जो क्या होगा तो किसके कारण होता है बच्चा पार्टी तो बी नंबर होगा जो दम राइट आंसर होगा किसके कारण तो हेमोग्लोबीन के कारण होता है कहाँ हेमोग्लोबीन के कारण होता है जो क्या होता है रक्त इनमें से क्या किस चीज़ का उपस्थिति के कारण है जो रेड दिखता है जो ब्लड होता है जो किस प्रकार से रेड तो हेमोग्लोबीन के कारण है जो दिखता है ठीक है अब आगे बढ़िए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की हो ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है पूछा गया है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषीय अंगक है जो प्रकाश संश्लेषीय अंगक है जो कौन है ऑप्शन तो नंबर ए में दिया हरित लवक बी में दिया पत्ती सी में दिया स्टोमाटा डी में दिया हुआ जड़ तेईस का जो हमारा क्या होगा राइट right आंसर होगा जो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या है हरित लवक होगा जो क्या होगा हमारा राइट right आंसर होगा क्या हरित लवक चलिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे देखिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पूछा गया है वायुमंडल में सी गैस की उपस्थिति है जो वायुमंडल में है जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड जो है गैस है जिसकी उपस्थिति है तो कितनी है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट बी में दिया जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट सी में दिया जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट डी में दिया जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट तो हमारा राइट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट होता है ठीक है चलिए ट्वेंटी फाइव नंबर हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये टोटल क्वेश्चन हम इसमें कितने देखेंगे पचास क्वेश्चन है जो टोटल इस चैप्टर से हमें देखना है ये है जो आज का ये लास्ट जो है क्वेश्चन है आज का ठीक है इसका जो और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट डे है जो देखेंगे ठीक है चलिए तो पच्चीस में क्वेश्चन में क्या पूछा गया पूछा गया है ग्रहणी भाग है तो किस चीज का ऑप्शन नंबर ए में दिया मुख गुहा का बी में दिया अमाशय का सी में दिया छोटी आंत का डी में दिया बड़ी आंत का तो किस चीज का है तो बी सी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा हमारा राइट आंसर सी में क्या है छोटी आंत का क्या छोटी आंत का सी नंबर ऑप्शन होगा जो हमारा क्या है राइट right आंसर है हम लोगों ने आज है जो कितने बच कितने क्वेश्चन देखे बचा बाटी तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट डे है जो देखेंगे और आप लोग को है ये एक एक क्वेश्चन को है जो बारीकी से जो जो भी समझाया गया उसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा हुआ हुआ, हुआ यही क्वेश्चन आपको हंड्रेड आएंगे ही आएंगे पचास क्वेश्चन में आपको एकदम पैंतीस क्वेश्चन है जो रखा हुआ है ठीक है और लगभग आपको भी पता होगा कि चैप्टर्स है जो कितने क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो आप लोग अच्छे तरीके से है जो पढ़ करके जाना है एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा ठीक है तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो पार्ट टू जो लेक्चर आएंगे उसमें है जो आपको पच्चीस क्वेश्चन जो समझाए जाएंगे उसके लिए ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाय सी यू सुन बच्चा पार्टी